जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है ना। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट फोर से, यानी ग्रामर के पार्ट फोर में आपका वेलकम है, ठीक है ना। देखिए आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं, अगर वाक्य में कभी नहीं लगा रहे तो, अगर कोई भी वाक्य में अगर कहीं कभी नहीं लगा रहता है अर्थात देखो, तो उसका जो बनाने का अनुवाद का जो रूल होता है, रेगुलेशंस होता है, वो किस प्रकार से होगा। अनुवाद देखिए, अनुवाद में क्या होगा, सबसे पहले एक में होगा कर्ता, दो में होगा नेबो, ठीक है ना, और तीन में होगा कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया, अर्थात थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगता है। चौथा होगा कर्म और पांचवा होगा आपका अन्य शब्द। ओके, अब जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, देखिए सबसे बड़ी चीज किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको मॉर्निंग में डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, ठीक है ना, तो सोचते हैं जाएंगे लेकिन जाते ही नहीं है, इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है, ठीक है ना, तो शरीर में बदलाव आएगा कैसे, ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे आप बने रहिएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, वह स्कूल कभी नहीं आता है, अनुवाद का नियम आपके सामने में है, आपको आप नियम देख करके आपको बिठाना है इस पर। वह स्कूल कभी नहीं आता है, सबसे पहले क्या है, एक में करता, तो वह का क्या होता है बाबू, ही, दिख रहा है क्लियर, ठीक है ना, ही। उसके बाद क्या है, कभी नहीं लगा है ना, तो लगा देंगे हम दूसरा क्या, नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर, ही नेवर, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया अर्थात थर्ड पर्सन एक वचन, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, एक वचन भी है, तो उसमें एस या ई एस लगता है, ठीक है। तो ही नेवर क्या आता है ना, तो क्या होगा, कम्स, ही नेवर कम्स टू, उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, कर्म, यानी कि स्कूल, एस। क्या बाबू समझ में आ रहा है ना, आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए कलर चेंज कर लिया जाए, ये बेटर होगा। देखिए दूसरा है, रमेश दूध कभी नहीं बेचता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी रमेश, आर ए एम ई एस एच, रमेश, मुझे लगता है ये और नहीं दिखता होगा, ठीक है, पहला हो गया रमेश, ठीक है। अब उसके बाद नेवर, क्या लगाएंगे, नेवर, रमेश को भी कर दें फिर से, आर ए एम ई एस एच, रमेश नेवर, ठीक है ना, रमेश नेवर। अब उसके बाद है बेचना, ठीक है ना, क्या है रमेश, क्या है थर्ड पर्सन एक वचन है ना, थर्ड पर्सन क्या लिखा हुआ, एक वचन के साथ क्या लगता है, एस ए एस, तो रमेश नेवर बेचना क्या होता है, सेल, तो इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स। उसके बाद दूध है ना, तो दूध का क्या होता है बाबू, मिल्क, एम आई एल के, मिल्क। ओके, फिर अगला देखिए, राधा स्नान कभी नहीं करती है, तो राधा का राधा लिख देंगे हम, आर ए डी एच ई, राधा। उसके बाद क्या लगेंगे बाबू, नेवर, कभी नहीं लगा हुआ है तो नेवर। ओके, राधा नेवर, अब स्नान करना है ना, नहीं करती है, राधा नेवर टेक, क्या है हुआ, टेक्स, कहे कि राधा क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन, राधा नेवर टेक्स बाथ, राधा नेवर टेक्स बाथ। ओके, चौथा है, ठीक है ना, वे लोग विद्यालय कभी नहीं जाते हैं, वे लोग का क्या होता बाबू, दे, दे कभी नहीं लगाएंगे क्या, नेवर, ठीक है ना। और दे क्या है, थर्ड पर्सन बहुवचन है, दे नेवर क्या है, स्कूल जाना ना, दे नेवर गो टू स्कूल, दे नेवर गो टू स्कूल, कंप्लीट हो चुका है, इट्स सो सिंपल बाबू। चलिए अगला देखते हैं, अगला है बाबू प्रश्नवाचक, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही बनाने में मजा आएगा आपको, ठीक है ना। देखो सेंटेंस, अगर वाक्य, ठीक है ना, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो, ठीक है ना, अनुवाद बनाने के सबसे पहला क्या है, एक में सहायक क्रिया डज या डू, तो डज का प्रयोग हम कहां करने वाले हैं और डू का प्रयोग कहां करने वाले, दोनों बताएंगे हम आपको। देखिए डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन एक वचन के साथ करते हैं, और डू का बाकी सारे के साथ आप डू लगा सकते हो। ओके, दो में आपका कर्ता, दो में क्या आपका कर्ता, तीन में नॉट नेवर, चार में भी वन, और पांच में कर्म, और छ में अन्य शब्द, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू डू दिस। आप अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो चुका है। ओके, देखिए तो पहला सेंटेंस का हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं,
क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं? मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, तो मैं के साथ क्या लगाएंगे? डू। डू क्या? मैं, सहायक क्रिया था, कंप्लीट हो चुका है। मैं का क्या होता है? डू आई। डू आई क्या है? नहीं है ना, तो नॉट लगा होगा, नॉट नेवर, तो डू आई नॉट। उसके बाद क्या है? पढ़ाना ना, तो पढ़ाना क्या होता है बाबू? देखो बी वन, चौथा क्या होगा? बी वन, तो क्या होता है पढ़ाना का? टीच, टी ई ए सी एच, टीच। उसके बाद क्या है? तुम्हें ना, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? कर्म में तुम्हें, तो तुम्हें क्या होता बाबू? यू, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट टीच यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ? अगला सेंटेंस देखिए, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? मैं, तो क्या होगा? डू आई, नहीं है ना, नॉट जाना, गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगला है, क्या वे लोग पटना जाते हैं या नहीं जाते? क्या वे लोग पटना नहीं जाते हैं? देखो वे लोग, ये क्या है? थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन बहुवचन है, लेकिन वहां क्या है? थर्ड पर्सन एक वचन, तो इसके साथ भी लगाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ डू। क्या होगा? डू दे, ठीक है ना, डू दे नॉट कहाँ? पटना ना, गो टू पटना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देखिए बाबू कितना आसान है, ठीक है ना। अब क्या वह मछली नहीं पकड़ता है? क्या वह मछली नहीं पकड़ता है? क्या होगा? वह है, यह है थर्ड पर्सन, ठीक है ना, लेकिन वह थर्ड पर्सन एक वचन है ना, तो इसके साथ लगाएंगे हम यहाँ पे डज। क्या लगाएंगे बाबू? डज। क्या लगाएंगे? डज। डज पकड़ता है, तो डज ही। वह का क्या होता बाबू? ही। और उसके बाद क्या? डज ही हो गया ना। उसके बाद तीन में आप दो में करता कंप्लीट के लिए नॉट, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या? डज ही नॉट पकड़ना क्या होता है? कैच, सी ए टी सी एच, कैच। और उसके बाद क्या पकड़ रहा है? मछली ना, तो कैच मछली का एफ आई एस एच, फिश, क्वेश्चन मार्क। क्या बाबू आसान लग रहा है आपको? क्वेश्चंस जितने भी ये ट्रांसलेशन है सब के सब इजी है, बशर्ते आपको रूल थोड़ा सा माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा आप रिमाइंडर कीजिएगा, इसको मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, सारे रूल आपको याद हो जाएगा और उसके बाद किसी भी सेंटेंस को आप उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार हम आज हम सीखे हैं प्रश्नवाचक तक सीख गए हैं, ठीक है ना। अगला क्लास हम अगले दिन, ठीक है ना, नेक्स्ट डे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है ना, वह स्कूल कभी नहीं आती है। अगला है, क्या वह स्कूल कभी नहीं आती है? थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस, वे लोग मछली कभी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, क्या वे लोग मछली खाते हैं, ठीक है ना। क्या लग गया है? तो क्वेश्चन मार्क। अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ट्रांसलेशन आपके लिए है, क्या वे लोग बस से दिल्ली कभी नहीं जाते हैं? आई होप पांच ट्रांसलेशन आप लोग बना करके कमेंट के माध्यम से जरूर चेक करवा लेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।